जिला भाषा एवं संस्कृति विभाग ने मंडी में जिला स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया। संकन गार्डन के ओपन एयर थिएटर में हुई इस प्रतियोगिता में जिला मंडी के 9 लोक नृत्य दलों के लगभग 200 कलाकारों ने भाग लिया। जिला भाषा एवं संस्कृति विभाग ने मंडी में जिला स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया। संकन गार्डन के ओपन एयर थिएटर में हुई इस प्रतियोगिता में जिला मंडी के 9 लोक नृत्य दलों के लगभग 200 कलाकारों ने हिस्सा लिया। अतिरिक्त उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। प्रतियोगिता में सांगल म्यूजिकल ग्रुप गोहर ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि गुरुकुल म्यूजिकल ग्रुप मंडी दूसरे और कामाक्षा सांस्कृतिक लोक कला मंच करसोग व सिराज लोक नृत्य दल पकवाड़ा संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। प्रतियोगिता में पहले 3 स्थानों पर दलों को ट्रॉफी व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त ने प्रतियोगिता के आयोजन के लिए जिला भाषा एवं संस्कृति विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन लोक संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन में सहायक हैं। इनमें लोक सांस्कृतिक दलों को उपायुक्त मंच मिलने से उनका हौसला बढ़ता है, साथ ही युवाओं को भी अपनी संस्कृति व लोक कलाओं को जानने व इससे जुड़ने की प्रेरणा मिलती है। आशुतोष गर्ग ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे अपनी संस्कृति को सहजने के लिए आगे आए ताकि हमारी समृद्ध संस्कृति परंपराएं व कलाएं जीवित रहे। उन्होंने कहा कि मंडी की संस्कृति को सहेजने व बढ़ावा देने के लिए इसके लिए एक वर्ष से छोटी काशी महोत्सव शुरू किया गया है और इस महोत्सव के दौरान भी स्थानीय लोक कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का शुभ अवसर प्रदान किया गया है। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल के आर पंछी प्रयाग संगीतज्ञ दिनेश गुप्ता कथक नृत्य विशेषज्ञ श्यामा गौतम भाषा अध्यापक शामिल रहे। इस अवसर पर उपाध्यक्ष नगर परिषद बीरेंद्र शर्मा पार्षद पुष्पराज कात्यायन विशाल ठाकुर बंशीलाल जिला भाषा अधिकारी रेप्ती सैनी सहित अन्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मैं रेप्ती सैनी जिला भाषा अधिकारी मंडी। जैसे कि सभी जानते हैं भाषा एवं संस्कृति विभाग प्रति वर्ष जो है तरह तरह की साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाता है, जिसमें जिला स्तरीय लोक नृत्य एक हमारा बहुत बड़ा इवेंट है जिसको प्रत्येक जिले में करवाया जाता है। मंडी जिला में भी हर वर्ष इस कार्यक्रम को करवाया जाता है। उसी कड़ी में इस कार्यक्रम को करवाया जा रहा है आज इंदिरा मार्केट के संकन गार्डन में, जिसमें जिला भर की लगभग 15 टीमें भाग लेंगी। दूर दराज के क्षेत्रों से भी लोग इसमें आ रहे हैं अपनी प्रस्तुति देने के लिए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एक तो संस्कृति का संरक्षण संवर्धन है और दूसरा कलाकारों को मंच प्रदान करना है। जो भी हमारे प्रतिभागी आएंगे उन सबको हम आने जाने का किराया, पारिश्रमिक और उनका दैनिक भत्ता देंगे। इसके अतिरिक्त जो प्रथम द्वितीय और तृतीय आने वाले दल हैं उनके लिए ट्रॉफियां देकर उनको सम्मानित किया जाएगा, साथ में उनको प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा हमारा ये रहता है कि पूरे साल भर हिमाचल के विभिन्न जिलों में कार्यक्रम होते हैं और हिमाचल के बाहर भी कार्यक्रम होते हैं, उसमें हम इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता से चुनकर प्रतिभागियों के दल भेजते हैं, जिसमें जो प्रथम दल आता है उसको पहले स्थान पर उसको भेजा जाता है। उसके उपरांत जो दूसरा तीसरे चौथे स्थान पर भी दल आते हैं उनको भी प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मंच प्रदान किया जाता है। इसी उद्देश्य से आज हमने यह कार्यक्रम यहाँ पे रखा है, जिसकी जिसमें मुख्य अतिथि हमारे अतिरिक्त उपायुक्त श्री आशुतोष गर्ग जी रहेंगे। इसके अतिरिक्त और भी हमने विशिष्ट अतिथि बुलाए हैं, जिसमें हमारे पुलिस अधीक्षक और हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, इसके अलावा जिला परिषद की नगर परिषद की अध्यक्षा सुमन ठाकुर जी भी इसमें उपस्थित रहेंगी। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चले छोटे ब्रेक का ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद।